टेप बनाओ ना, टेप बनाओ राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे हुए, क्या मानते हैं आप राजस्थान को वो सारी चीजें मिली जिसकी बातें सुराज संकल्प यात्रा में और हर जगह की गई? राजस्थान के 4 साल स्वर्णिम काल है और इसमें शिक्षा से लगा के, रोड सेक्टर से लगा के, पानी से लगा के, सभी क्षेत्रों में जो मानव की अति आवश्यकता है वो सारी पूरी करने की कोशिश की जा रही है। और मैं आशा करता हूँ कि जो कार्य हुआ है इस कार्य का आपके माध्यम से सब लोगों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचना अति आवश्यक है। बाकी राजस्थान सरकार और भारत सरकार आज की तारीख में बहुत ज़्यादा अच्छे काम हुए, 80,000 करोड़ रुपये तो सेंटर से नेशनल हाईवेज वगैरह के लिए आए हैं। सर, गुजरात इलेक्शन को बीजेपी किस तरीके से देख रही है? क्या दावे जो हो रहे हैं कि हम बहुमत से सरकार बनाएंगे पूरी हुई, क्योंकि दलित वहाँ पर जिस तरीके से राजनीति हुई है, पटेल राजनीति वहाँ पर जिस तरीके से चल रही है, कोई राजनीति हो 36 कौम बीजेपी के साथ हैं, सारे मिलकर के कहीं कोई न पाटीदार नाराज है, न पटेल नाराज है, न कोई दलित नाराज, सबका साथ सबका विकास। 150+ सीटें आपको 18 तारीख को दे दी जाए। सर, एक अंतिम सवाल ये कि मनमोहन सिंह ने कल बयान का जवाब दिया जिसमें पाकिस्तान की राजनीति के साथ मुलाकात का, और इससे पहले जो भी बातें हुई तो उसका पूर्व सेनाध्यक्ष ने भी खंडन किया, तो अब भारतीय जनता पार्टी इस मामले को किस तरीके से लेगी जब पूर्व प्रधानमंत्री का इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है पूर्व प्रधानमंत्री इस तरीके से किसी बात को खंडन किया है? एक लीटर जाए ऐसा नहीं है, कोई भी बैठक हो उसको सब लोग उसके साथ देते हैं, किसी चीज़ का खंडन करना तुरंत करना चाहिए। आप कई दिनों के बाद में सोच के बताते तो वो नहीं, जो चीज़ है उसके बारे में काफ़ी मीडिया मारा, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो बात कही वो मान्य है, वो ही बनेगी।